गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू द चैनल योर क्लासेस गाइस, दिस इज़ योर डेली वोकैबुलरी बूस्टर सेशन जहाँ पर हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश आती है एंड इंग्लिश आती है तो वोकैबुलरी का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो तो। ठीक है, तो फिर हम डेली बेसिस पे, इसीलिए हमारा क्लास का टाइम डेली ही 11 AM रहता है। डेली हम 11 बजे आपके साथ डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, सो मिस नहीं करिएगा। आपका कोई फ्रेंड जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उसके साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप मेरी वोकैबुलरी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, ब्लाइंडली डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द हिंदू के वर्ड्स हैं, इसके बाहर आपके अगर आते हैं एग्ज़ाम में तो बहुत ही मुश्किल है कि आए। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि आपके एग्ज़ाम से पहले अगर आप डेली बेसिस पे 15 वर्ड्स याद कर रहे हो तो आपके एग्ज़ाम आते आते आपकी कितनी सारी वोकैबुलरी प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, सो आपको डेली रेगुलरली बनना है मेरे साथ 11 बजे फॉर सम न्यू एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। चलिए देखते हैं पहला वर्ड क्या है। द फर्स्ट वर्ड इज़ एंटिस। एंटिस का मतलब है गाइस एल्योर या लुभाना। किस तरीके से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो आप? द शॉपकीपर वॉज एंटिसिंग द कस्टमर्स। शॉपकीपर कस्टमर्स को लुभा रहा था। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? इंचांट या कैप्टिवेट। एंटोनिम्स है डिसइंचांट या रिपल। ठीक है, एंटिस का मतलब है किसी को लुभाना। अब तरीका क्या है, आपको सिर्फ एंटिस वर्ड नोट करना है अपनी नोटबुक में एंड सेंटेंस बना के नीचे कमेंट कर देना है। ठीक है, जल्दी से बना दीजिएगा, तब तक हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिक्री। डिक्री का मतलब है गाइस क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना। ठीक है, द शॉपकीपर वॉज एंटिसिंग द कस्टमर्स येट द कस्टमर्स वॉज डिक्रीइंग हिज प्रोडक्ट्स। उसके प्रोडक्ट्स की फिर भी जो कस्टमर्स थे वो आलोचना कर रहे थे। ठीक है, डिक्री का मतलब होता है आलोचना करना या क्रिटिसाइज करना। सिनोनिम्स क्या है? कंडेम है, बिलिटल है। एंटोनिम्स क्या है? अप्रूव या फ्लैटर। गाइस, मेरे बताए हुए तरीके से आपको वोकैबुलरी लर्न हो जाएगी एंड एंटोनिम्स सिनोनिम्स के लिए आपको ज़रूर से इसका PDF लेना है। PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जिसका नाम है योर क्लासेस, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। डिग्री का सेंटेंस जल्दी से बनाइए, सेंटेंस बनाइए एंड कॉमेंट करिए जल्दी से। द नेक्स्ट वर्ड इज आमिटी। आमिटी का मतलब है गाइस फ्रेंडशिप या मित्रता। आमिटी को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? द आमिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर PM मोदी एंड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज़ वर्ल्ड वाइड फेमस, है ना। सो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड हमारे PM नरेंद्र मोदी की जो फ्रेंडशिप है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? amicableness एंड कॉमिटी। एंटोनिम्स क्या है? hostility या hatred। ठीक है, सो एंटोनिम इज मित्रता या फ्रेंडशिप। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्पास। इम्पास का मतलब है गाइस डिफिकल्ट सिचुएशन या कठिन परिस्थिति। इम्पास का मतलब है कोई डिफिकल्ट सिचुएशन। यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं इसको सेंटेंस में? अभी जो सिचुएशन है वो भी तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है ना पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। सो दिस इम्पास विल पास सून या दिस इम्पास विल दिस इम्पास टू शाल पास, है ना। दिस इम्पास टू शाल पास, ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है ये भी बीत जाएगी। ठीक, सिनोनिम्स क्या है? स्टेलमेट या प्रेडिकमेंट। एंड एंटोनिम्स क्या है? सोल्यूशन या ब्रेक थ्रू। ठीक है, इम्पास क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज जेस्टाल्ट। जेस्टाल्ट का मतलब है गाइस व्यवस्था या अरेंजमेंट। यूज किस तरीके से करना है सेंटेंस में? The gestalt of RSS of distributing food materials and groceries among the needy or among the poor is appreciable. RSS ने arrangement किया है, gestalt किया है needies में distribute करने का food and groceries, so this is very appreciable, है ना। Synonyms क्या है? Composition या structure, and antonyms है disarray या chaos. Gestalt को use करिएगा जल्दी से sentence में, फटाफट से यूज़ करिए जी स्टॉल का एंड कमेंट करिए सेंटेंस, फिर हम बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब है गाइस डिफरेंट। अब कभी ना कभी आपने कोई ड्रेस वगैरह कुछ भी ऑर्डर किया होगा ऑनलाइन, तो आपने बट रिसीव किया होगा कोई अलग डिफरेंट चीज़। सभी के साथ हुआ होगा, ऑनलाइन एक्सपीरियंस सबका ऐसा ही रहता है। सो
what you can say, I received a disparate product from the one I ordered, है ना. मैंने एक अलग different product receive किया जो मैंने receive किया था, जो मैंने order किया था उससे. Synonyms क्या है? Contrasting है, distinct है. And antonyms क्या है? Alike है या similar. ठीक, disparate था, different. जल्दी से बनाइए sentence. सेंटेंस बना दीजिएगा. द नेक्स्ट वर्ड इज इंट्रेपिड. आई लगेगा गाइज, यहाँ पे आई मिस हो गया है. इंट्रेपिड, आई एन टी आर ई पी आई डी. इंट्रेपिड का मतलब होता है बहादुर या ब्रेव. द इंट्रेपिड डॉक्टर्स एंड पुलिस आर गिविंग देयर सर्विसेज. बहुत ही ब्रेव है हमारे डॉक्टर्स और हमारी पुलिस जो अपनी सर्विसेज इस टाइम पे भी दे रहे हैं. सो द इंट्रेपिड डॉक्टर्स एंड पुलिस आर गिविंग देयर सर्विसेज. Synonyms क्या है? Courageous या nervy. Antonyms है cowardly या jitterly. ठीक है, antonym intrepid का जल्दी से sentence बनाइएगा. Comment करिए sentence बना के and word note कर लीजिएगा अपनी notebook में. फिर बढ़ते हैं हम next word पे. The next word is apocryphal. Apocryphal का मतलब है guys fake या questionable. Questionable या fake या नकली. The shopkeeper denied to accept the apocryphal note. नकली या fake note को accept करने से shopkeeper ने मना कर दिया. The shopkeeper denied to accept the apocryphal note. Synonyms क्या है? Mythical है, fictitious है. Antonyms, authentic या true. Synonyms, antonyms clear हो गए? फिर से बता दे रही हूँ आपको, PDF मिल जाएगी. कुछ note मत करिए, सिर्फ word note करिएगा जिससे आप याद करके बाद में meaning लिख सकें. ठीक है, सिर्फ आपको नोटबुक में वर्ड नोट करना है, बाकी के लिए आपको PDF लेनी है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से. द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टिव. रेस्टिव का मतलब होता है गाइज इम्पेशेंट. रेस्टिव का मतलब है इम्पेशेंट या बेताब. ठीक है, अब यूज किस तरीके से कर सकते हैं? वी ऑल आर रेस्टिव टू गो आउट ऑफ आवर हाउसेज. हम सभी इस टाइम बेताब हैं, इम्पेशेंट हैं घरों से बाहर निकलने के लिए. लेकिन इट्स नॉट सेफ टू गो आउट. बिल्कुल भी सेफ नहीं है. सोशल डिस्टेंसिंग हमें मेंटेन कर रखनी है, हमें अभी भी घर पे रहना है. सो स्टे होम एंड स्टे सेफ, है ना. तो वी ऑल आर रेस्टिव टू गो आउट. लेकिन बाहर नहीं जाना है, सिर्फ घर पे बैठ के तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है. क्योंकि जैसे ही ये सब ओवर होगा, आपके क्या लगे हैं? एग्ज़ाम्स. तो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते रहना है. पढ़ाई हमारे साथ करिए. घर बैठ के प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको गाइस बताती रहती हूँ डेली, फिर से बता रही हूँ. सिर्फ आप एक ऐप डाउनलोड करके देखिएगा योर क्लासेस का. प्ले स्टोर पे जाइए, योर क्लासेस डाउनलोड करिए. उस पर आपको डिजी बुक्स मिलेंगी जिससे आपको खुद से ही प्रैक्टिस आप घर बैठ के करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की. जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. प्लस इस टाइम ऑफर चल रहा है गाइस, लॉकडाउन ऑफर है. 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है बाय 10. 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है. इतने अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिले, आप रिव्यू चेक करिएगा. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वर्ड टू वर्ड आए हुए हैं एग्जाम्स में. ठीक है, सो आपको डीजी बुक से प्रिपेयर करके रिव्यूज़ बताइएगा आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से इम्प्रूव हुई, आपको कैसा लगा प्रिपेयर करके. किसी भी मेरे आप सेशन पर कॉमेंट कर सकते हैं, आप मुझे अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है हमारा. द नेक्स्ट वर्ड इज लॉडेशन. लॉडेशन का मतलब होता है गाइस प्रशंसा या फिर प्रेज, किसी की तारीफ. सो द वर्क ऑफ डॉक्टर्स एंड पुलिस इज वर्थ लॉडेशन. जो डॉक्टर्स एंड पुलिस काम कर रहे हैं उनका जो काम है वो काबिले तारीफ है. सो इट्स वर्थ लॉडेशन. सिनोनिम्स क्या है? एकोलेड या अप्लॉज. एंड एंटोनिम्स क्या है? क्रिटिसिज्म या डिनंसिएशन. ठीक है, लॉडेशन का मतलब है प्रेज. जल्दी से बनाइए सेंटेंस लॉडेशन का, फटाफट से सेंटेंस बना के कॉमेंट करिए लॉडेशन का. फिर हमारा अगला जो है वर्ड वो है बाउंटस. बाउंटस का मतलब है गाइस अबंडेंट या प्रचुर. बाउंटस मीन अबंडेंट. आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं गाइस? अभी का सिचुएशन अगर देखें तो अभी आपके लिए सबसे इजी रहता है ना कि आप जिस चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, जो आपके सामने हो रही हैं, इसी पे बेस्ड आप सेंटेंस बनाया करिए, जिससे वो सेंटेंस आपको नहीं भूलेगा, है ना. सेंटेंस नहीं भूलेगा तो आपको मीनिंग तो भूल ही नहीं सकती. अभी जैसे गवर्नमेंट हमारी अश्योर कर रही है लोगों को देयर इज़ अ बाउंटेस ऑफ सरप्लस.
तो किसी को परेशान नहीं होनी है। जितना भी सरप्लस ग्रेन है गवर्नमेंट के पास वो बहुत अबंडेंट है, प्रचुर मात्रा में है। सो हमें पैनिक नहीं करना है, हमें कलेक्ट नहीं करना है, घरों में स्टोर नहीं करना है ना। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, दे हैव बाउंटेस ऑफ सरप्लस, दे हैव बाउंटेस सरप्लस। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है इसके, प्लेंटियस या कोपियस। सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स क्या हैं, इनसफिशिएंट या मीगर। क्लियर हो गया बाउंटर्स, तो जल्दी से बनाइए सेंटेंस बाउंटर्स का। अगला वर्ड देखते हैं डायबोलिक। द नेक्स्ट वर्ड इज गाइस डायबोलिक। डायबोलिक का मतलब होता है ईवल या बुराई। किस तरीके से यूज कर सकते हैं, रामायण देखते होंगे आप, अभी 9 बजे ही देखी होगी। सो रावण इज फेमस फॉर हिज डायबोलिक कैरेक्टर, है ना। रावण किसके लिए फेमस है, रावण इज फेमस फॉर हिज डायबोलिक कैरेक्टर। समझ में आ गया, अपने बुरे, अपने ईवल कैरेक्टर के लिए फेमस है रावण। सिनोनिम्स क्या हैं, फिंडिश एंड डिमोनियाक। एंटोनिम्स काइंड या ह्यूमेन। ठीक है, डायबोलिक को जल्दी से बनाइए सेंटेंस में, यूज करिए डायबोलिक। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्टनेशन। कॉन्स्टनेशन क्या है, डिस्ट्रेस मत या फिर संकट। कॉन्स्टनेशन को हम बोलते हैं संकट। दिस कॉन्स्टनेशन ऑफ पैंडमिक विल पास वेरी सून, है ना। ये कॉन्स्टनेशन, ये संकट बहुत जल्दी पास हो जाएगा, इस पैंडमिक का संकट बहुत जल्दी पास हो जाएगा, तो किसी को भी परेशान नहीं होना है। सिनोनिम्स क्या है, ड्रेड है, ट्रिपिडेशन, ड्रेड एंड ट्रिपिडेशन। एंटोनिम्स क्या है, कंपोजर या कंटेंटमेंट। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं, जल्दी से इसको बनाइएगा सेंटेंस में, ग्रिगारियस। ग्रिगारियस का मतलब है गाइस अनुकूल या फ्रेंडली। ग्रिगारियस यूज करिएगा सेंटेंस में, फ्रेंडली किस तरीके से। द ग्रिगारियस रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड इज़राइल इज वर्ल्ड वाइड फेमस, है ना। द ग्रिगारियस रिलेशन ऑफ इंडिया एंड इज़राइल इज वर्ल्ड वाइड फेमस। इज़राइल और इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशन है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। सिनोनिम्स क्या है, क्लबी या सोशलेबल, सोशिएबल। एंड एंटोनिम क्या है, अनहॉस्पिटेबल या कम्बैटिव। ग्रिगारियस को जल्दी से सेंटेंस में यूज़ करिएगा एंड सिर्फ वर्ड नोट करिएगा, नोटबुक में सिर्फ वर्ड नोट करिए, सेंटेंस मेरे सेशन में बनाइए। एंड जैसे ही तुरंत सेशन जैसे ही ख़त्म होता है, सेंटेंस अपना याद करिएगा जो आपने इस सेशन में बनाया है। इस सेंटेंस को याद करके आपको दिमाग में मीनिंग आएगी, तो मीनिंग आप इन वर्ड के सामने लिखते जाइएगा। इस तरीके से अगर आप खुद से लिख रहे हो तो आपको याद होता जाएगा। ठीक, अब द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्यूरिटानिकल। प्यूरिटानिकल का मतलब होता है गाइस सख्त, स्ट्रिक्ट, shy and strict in behavior, puritanical. The whole class was scared of puritanical professor. Sakht professor se puri class dari hui thi. So the whole class was scared of puritanical professor. Synonyms kya hai, prudish, straight laced. And antonyms kya hai, extravagant ya lenient. ठीक है गाइस, समझ में आ गए। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट वर्ड्स, आज की आपकी वोकैबलरी बूस्टिंग डोज। तो फिर डेली आपको मेरे साथ बनना है, टाइम वही है 11 बजे। शाम को हमारे 4:30 बजे वाले सेशन में हम किरण बुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें टॉपिक गाइस कॉमन एरर्स का चल रहा है। तो 4:30 बजे वाली सेशन भी आपको मिस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम में होगी क्लास 4:30 बजे। बाकी घर बैठे प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि गाइस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस किए पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करने के लिए अभी आपका सेशन ओवर हो रहा है, जाके एक बार चेक करिएगा हमारा आप योर क्लासेस। ठीक है, एंड डिस्काउंट के लिए कूपन कोड आपको यूज़ करना है क्या, BY10। ठीक है, आपको तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफ 10%। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।